वन ऑफ द मोस्ट वायबल एंड वन ऑफ द इकोनॉमिकल वायबल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेट है असम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये स्टेट एक टाइम पे इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी रिसेंट टाइम में गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर असम में डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिकल बिग इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो असम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द लीडर इन इकोनॉमिक हब बना रहा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज अभी असम पे आ रहा है। तो चलिए आज का जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे असम इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ इंडिया का तरफ जा रहा है, क्या क्या नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इससे फास्ट जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, असम अट्रैक्ट 13,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 14 मंथ्स। उधर का जो सीएम है हिमंत बिश्व शर्मा जी ऐसा अनाउंस किया है, जिससे असम में 17,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम एक बिग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। इससे जो फर्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो है पेप्सिको का तरफ से, करीब करीब 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट असम में पेप्सिको कर रहा है, जिससे नया प्लांट बनाने से पुराना प्लांट अपग्रेडेशन से हर चीज़ में पेप्सिको असम में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक बिग न्यूज़ जैसा स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट असम में उसका जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंशन का काम करेगा। इससे स्टार सीमेंट करीब करीब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट असम में करेगा। असम का गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी साइन हुआ है स्टार सीमेंट में। इससे हम लोग देख सकते हैं असम में सीमेंट सेक्टर में बहुत बिग प्लेयर अभी काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक आपका एक जेरिचो बोल के एक केमिकल कंपनी भी असम में असम का गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे असम में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग और भी एक सीमेंट फैक्ट्री जैसा टॉप चेम सीमेंट, जिसमें गौरीपुर में है, ऐसा एक असम का गौरीपुर में टॉप चेम सीमेंट भी इन्वेस्ट कर रहा है। उसका पुराना प्लांट अपग्रेडेशन नया प्लांट का ऊपर भी काम असम में कर रहा है। तो बिग इंडस्ट्री को छोड़ के हम लोग टूरिज्म सेक्टर में भी टाटा का जो चेन है IHCL होटल चेन, वो भी असम में डिब्रूगढ़ में नया नया जो 4-star 5-star होटल उसका भी MOU साइन किया है असम में, जिससे हम लोग देख सकते हैं टूरिज्म का मामले में भी असम बिग इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर रहा है, जिससे असम में जो टूरिस्टिक प्लेस है जब हजोई उसके साथ डिब्रूगढ़ जो अपर असम का स्टेट है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है बिग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन रेलवेज का अमृत भारत स्टेशन स्कीम का अंदर असम का बहुत सारे स्टेशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं एक एक करके जो भी स्टेशन है, हर एक असम में उसका नया लुक एंड नया नया जो रिनोवेशन का काम असम में हो रहा है। इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का मामले में भी असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत अच्छे से कनेक्टेड होगा, जिससे हम लोग असम से पूरा नॉर्थ ईस्ट मिजोरम नागालैंड अरुणाचल हर एक पोर्शन में हम लोग ट्रेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और असम का जो गुवाहाटी स्टेशन है ऑलरेडी उससे बहुत सारे ट्रेन अभी छोड़ता भी है। नया टाइम में वंदे भारत नॉर्थ बंगाल से जो वंदे भारत जाता है असम में गुवाहाटी में वो भी इनॉग्रेट हो चुका है। अभी असम में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी जो हम लोग का रिवर ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। और रिसेंट टाइम में टाटा का तरफ से एक बिग अनाउंस्ड हो चुका है असम में। फार फ्लंग असम कुड सून इमर्ज एज अ मेजर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब।
as the Tata Group has decided to set up a manufacturing plant in the northeastern state soon. This new plant will be built with an investment of 27,000 crore rupees in Jaggi Road. Ratan Tata posted on X that this partnership will make Assam a major player in sophisticated semiconductor manufacturing. तो नया नया जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी आसाम में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसा टाटा का चिप प्लांट आसाम में होगा, जिसके रतन टाटा शेयर मैसेज भी शेयर किया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आसाम विल पुट स्टेट ए ग्लोबल मैप। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी आसाम आगे बढ़ रहा है, जिससे आसाम को आपको बूस्ट देगा। कमिंग ईयर्स में हम लोग ये भी आशा कर सकते हैं आसाम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हर इस चीज़ होगा। आसाम में चीप लेबर टैलेंटेड वर्कफोर्स हर एक सुविधा होगा, जिससे हम लोग देख सकते हैं वेस्ट बे आपका जो इंडिया का डिफरेंट स्टेट का अंदर सेमीकंडक्टर का ऊपर आपका कंपटीशन चल रहा है, कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर सकता है। तो इसमें आसाम भी एक आपका इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम यही आशा कर सकते हैं आसाम में और भी इकोनॉमिकल नया नया इन्वेस्टमेंट आए और ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और भी इकोनॉमिकल वायबल बनाए इन द इंडियन मैप। तो आज का प्रतिवेदन इस तरफ से ही है, आपका जो व्यूज़ है वो कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।